ऑलराइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे साथ आज राज जुड़े हुए हैं। राज, कैसे हैं आप? मैम अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छा, बढ़िया। ओके, राज आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़। मैम मैं दुर्ग में रहता हूँ, दुर्ग भिलाई जी। अमेजिंग अमेजिंग। और आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है राज? वैसे तो मेरा बैकग्राउंड बीटेक है, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी के लिए जिप्सम में एनरोलमेंट लिया और यहाँ से मैंने लास्ट कोर्स किया था। ओके, तो ये अचानक से बीटेक से सेफ्टी, ये कैसे ट्रांजिशन हो गया आपका? मैम मैं तो ऑलरेडी आईआईटी में काम कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं डेटा एनोटेटर था ऑप्टिक नेक्स्ट वेल्थ में, जहाँ पे हम लोग AIML डोमेन में फ्रंट एंड में काम करते थे। मुझे काफ़ी आईटी ब्रांच का भी ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, वहाँ का भी मेरे को एक्सपोजर पूरा मिला है। बट वो शुरू से माइंड में ऐसा था कि मुझे ऐसा 9 to 5 डेस्क में बैठने नहीं है, मेरे को थोड़ा फील्ड वर्क पसंद था, जो मैं फील्ड में जाऊँ, जो मुझे थोड़ा एक्टिविटी में एंगेज रखे। तो मैं सिटिंग जॉब से थोड़ा मुझे स्विच करना था, फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं टेक्निकल में ही जाऊं, तो फिर मुझे सेफ्टी काफ़ी अट्रैक्ट किया। मेरे कलीग्स मेरे फ्रेंड्स भी ऑलमोस्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में ही हैं, कोई स्टील प्लांट में है, कोई अदर्स में, तो वो लोग मुझे हमेशा बताते थे कि आप इसमें एंटर कर सकते हैं। या तो मोस्टली लोग MBA करके HR में जाते हैं, बट मुझे सेफ्टी में जाने का एक अलग ही वो था, शुरू से इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने सेफ्टी चुना। ओके, खैर राज आप हैं भी काफ़ी यूनिक। आपने बहुत अच्छी डिसीजन लिया टू चूज सेफ्टी, बिकॉज हर कोई बीटेक करने के बाद सेफ्टी चूज नहीं करता है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बीटेक के बाद सेफ्टी एक ज़्यादा अच्छा करियर एक्सपैंड करती है देन डूइंग MBA। एनीवे, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जब आपने सेफ्टी चूज किया कि मुझे सेफ्टी करियर में आगे बढ़ना है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए होंगे आपके दिमाग में कि मैं यहाँ एडमिशन ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपने जिप्सा ही क्यों स्पेसिफिकली चूज किया अपने सेफ्टी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए? मैम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे FSDMI करके एक फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, नियर बाय में ही है, मेरे जस्ट 2-3 किलोमीटर में ही होगा। बट मुझे ऐसा लगा वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो उतने, मतलब ठीक है इंस्टीट्यूट इज ऑल गुड, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा और कुछ जो थोड़ा एडवांस लेवल पे मुझे सिनारियो बेस्ड कुछ सिखाए। मोस्टली मैम हमारे यहाँ जो नियर बाई में है वो ओनली फायर पे ही माने फोकस रखते हैं, उनका सेफ्टी का ट्रेनर भी वैसे भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, फायर इंचार्ज ही उनके जो हमको फायर ट्रेनिंग देते, माने देने की बात करते थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह स्विच करूं जहां मुझे इंडस्ट्रियल सेफ्टी में इन डेप्थ सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने मिले। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में मैम फायर का रोल तो होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो मैकेनिकल मशीनरी से जुड़ा रहता है, जिसमें हम वर्क प्लेस को, उस वर्कमैन लोगों को एक बिहेवियर डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो किस तरीके से अपने आप को या वर्क प्लेस को सेफ्टी को एंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास और भी ऑप्शन थे मैम, एक NCVTI का, टाटा का कोई एक इंस्टीट्यूट है वोकेशनल ट्रेनिंग का झारखंड में, वहाँ पे भी 6 मंथ का सेफ्टी का कुछ कोर्स होता है ट्रेनिंग का। बट मुझे लगा उतना दूर नहीं जाना है, पास में उतना मेरे को परफेक्ट इंस्टीट्यूट मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने गूगल में, फेसबुक में, यूट्यूब में रिव्यूज देख के फिर मैंने जिप्सा को चुना। और थैंक गॉड जिप्सा मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा और जिप्सा से मुझे काफ़ी अच्छा लर्निंग मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने इंस्टीट्यूशन में कोई चूजन में गलती की, तो ये ऑफकोर्स, है। लेकिन आपको सबसे यूनिकनेस क्या लगी जिप्सा में जो आपको बाकी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिखा? मैम एक तो प्लेसमेंट प्लेसमेंट सेल ऑलमोस्ट सभी के जो भी है, माने मैं नोटिस करता हूँ अदर इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं, बट वो आफ्टर क्लास अवेल कराते हैं, मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। लेकिन जिप्सा में मैम ऐसा है कि आप हर वीक प्लेसमेंट का क्लास लगाते हैं, आपको पता होता है कि रिज्यूम कैसे बनाना है, आपको पता होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कैसे आंसर करेंगे,
आप फ्रेशर है तो रिज्यूम बनाएंगे, एक्सपीरियंस है तो सीवी बनाएंगे, आपको एमएस वर्ड का एक एक फॉन्ट साइज तक बताया जाता है कि आप किस तरीके से हेडलाइंस बनाएंगे, सब कंटेंट रखेंगे, यहाँ तक कि एजुकेशनल सीरीज भी जो रहती है कि आप हायर को ऊपर रखेंगे और लोअर क्वालिफिकेशंस को नीचे रखेंगे। ये बेसिक चीजें मैम मुझे नहीं लगता यूट्यूब में भी कोई अदर इंस्टीट्यूट वाले ने एक वीडियो भी डाला होगा, और ये सब चीजें मुझे राफिक सर से जो मिला ऑलमोस्ट 3 से 4 उनका जो क्लास रहता था, मुझे वो काफी मदद किया। और मैम रिज्यूम इसलिए प्लस पॉइंट है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर्स के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कहीं भी जाऊं और सेलेक्ट हो जाऊं, बट रिज्यूम ने मेरा रास्ता क्लियर करता गया क्योंकि मैंने अभी जहां मैंने ज्वाइनिंग ली उससे पहले 3 इंटरव्यू भी ऑलरेडी क्रैक किए थे, तो ये मेरा 4th इंटरव्यू था। ओके, दैट इज अमेजिंग। सो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक एक बारीक बारीक चीज पे ध्यान दिया गया है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ योर पढ़ाई एट जिक्सा, ये बाद की बात नहीं थी, ये स्टार्टिंग से ही किया गया, बहुत अच्छी बात है। अब तो आप जिक्सा से पास आउट हो चुके हैं, अच्छी नौकरी भी मिल चुकी है, लेकिन क्या वो चीज है जो आपको बहुत याद आएगी कि पढ़ाई करते टाइम आपको बहुत अच्छा लगा था जिक्सा में? मैम मुझे 12 बजे का जो अबेदुल्ला सर का जो क्लास है वो काफी याद आएगा क्योंकि वो सर ना जितना डेप्थ में हमको रिफ्यूज एरिया से लेके एनएफपीए के जो इंटरनेशनल कोड्स हैं, ओशा के जो नॉर्म्स हैं, वर्क एट हाइट के जो पैरामीटर्स हैं, हाइट मेजर्स हैं, यहाँ तक कि स्काफोल्ड के जो बेस प्लेट के मेजरमेंट्स हैं, उन्होंने इतना डेप्थ में जो बताया, आज हम लोग उसी पे हम लोग काम करते हैं मैम इन फील्ड। तो वहां से जो लर्निंग्स मिली ओबेदुल्ला सर के क्लास से, जो टेक्निकल इंटरव्यू में हम लोग के सारे डाउट्स और हमें केस स्टडीज देते थे, इनफैक्ट जब मैम हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कोरबा गए थे तो वहां सर जो हमको केस स्टडीज देते थे कि आप रिस्क असेसमेंट करके बताइए या रिस्क परसेंटेज निकाल के बताइए, क्योंकि रिस्क मैट्रिक्स में हम कैलकुलेट करना पड़ता है हर फायर हर हजार्ड, तो वो सब चीजें जो सर ने सिखाई मैम वो मुझे एकदम काफी हेल्प हुआ, काफी मदद किया, मेरे कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हुए और मुझे ये कोर्स को मतलब कंप्लीशन में भी बहुत हेल्प हुआ। ओके, राज आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि आपने ये कोर्स ऑनलाइन किया है जिक्सा के थ्रू, तो ऑनलाइन ऑफलाइन रेसिडेंशियल 3 अलग अलग वे में जिक्सा पढ़ाई कराता है, आपने ऑनलाइन चूज किया, कोई ना कोई परिस्थिति सिचुएशन रही होगी, तो ऑनलाइन में आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ये सेशन आपको कहीं ना कहीं कहीं बोरिंग जा रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको डिफिकल्टी आ रही है? नो मैम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मेरे लिए भी न्यू था, इससे पहले मैंने कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाए थे, तो मुझे वो एक्साइटमेंट था कि हाँ ऑनलाइन क्लास है, गूगल मीट अटेंड करना है, क्लासेस लगानी, शुरू शुरू में थोड़ा न्यू था, बट सर लोग भी थोड़े मजे की बात भी बीच-बीच में करते थे, थोड़ा कॉमेडी भी हो जाता था, थोड़े दोस्त बन गए मैम, काफी दोस्त मुझे प्रैक्टिकल से मिले जब मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए गया था, काफी दोस्त मुझे ऑनलाइन क्लासेस से मिले, काफी कुछ मेरे से सुपर सीनियर भी हैं, काफी मुझसे जूनियर भी हैं, तो हर प्रकार के ऑल इंडिया से ऑलमोस्ट, अभी तो मैं बोलूंगा मेरे दोस्त आसाम में भी है, केरला में भी है और मैम ये राजस्थान में भी है, तो इस तरीके से जिक्सा से हम लोग बहुत अच्छा नेटवर्क बना, कम्युनिटी एक डेवलप हुई और आफ्टर ऑल सभी सेफ्टी प्रोफेशनल्स थे तो हम डिस्कशंस भी उस लेवल पे करते थे, हमारा जो ग्रुप बना था व्हाट्सएप का, हम लोग एक एक कैराबिनर लॉक जो होता है जो सेफ्टी हाइट में यूज होता है सेफ्टी लाइन में, हम लोग उसको भी हम लोग प्रैक्टिकल के बाद घर आ गए थे तो भी शाम को फोटो डाल के डिस्कस करते थे, बहुत अच्छी। तो मुझे फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छे मिले, मेरा एक फ्रेंड था आयुष गवेल, वो भी जिप्सा स्टूडेंट है अभी एनटीपीसी में, तो उससे भी मुझे काफी हेल्प मिल जाती थी जिस चीज में मुझे, अगर सर लोग को मैं रीच नहीं कर सकता तो मेरे फ्रेंड सर्कल को पास भी इतना नॉलेज था कि वो मुझे हेल्प करते थे 100%। आपका अभी कौन से कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं? मैम अभी मैंने रिसेंटली रियल ग्रुप GKTMT ज्वाइन किया है एज अ सेफ्टी ऑफिसर। ओके, एंड क्या डेजिग्नेशन है आपकी राज? मैम सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट है उसमें और वही
उसी में मैंने ज्वाइन किया मैम एज अ फ्रेशर। ओके दैट इज अमेजिंग। एंड आपकी जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या रहती है एज अ सेफ्टी ऑफिसर? मैम इट्स लाइक गिविंग अ लेक्चर्स टू द वर्कमैन, प्रोवाइडिंग देम द lessons about the safety procedure precautions, awareing them about the hazard and conditions, क्योंकि after all safety के practice तभी होगी जब हम उन्हें train करेंगे, guide करेंगे, उनका behavior develop करेंगे। इसमें हम लोग का मैम पूरा कोशिश रहता है कि हम workmen के अंदर एक safety mindset को develop कर सकें। उसके लिए हम लोगों को दिन भर का schedule मिलता है कि हम जाएंगे वहाँ के शिफ्ट इंचार्ज से मिलेंगे, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो वर्कमैन है चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, मैकेनिकल के हैं, तो क्या आप अवेलेबल हैं, तो आप मुझे टाइम बता दीजिए। हम उनसे टाइम लेके आते हैं, फिर उस टाइम पे जाके हम उन्हें उन्हीं के यूनिट में, जैसे अगर वो मेल्टिंग शॉप में काम कर रहे हैं या पावर डिविजन SID में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के यूनिट में जाके उन्हीं के ऑफिस में जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहीं पर जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमको उनको ट्रेनिंग दो तरीकों से देना रहता है, एक तो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और एक जो हमारा खुद का इंटरनल ऑडिट में हमें लगता है कि सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट चाहिए उनके अकॉर्डिंग। तो उस तरीके से नियर मिस है या एक्सीडेंट है, तो उस तरीके से मैम हम लोग डेली, हम लोग की टॉपिक हर दिन अलग अलग रहती है, हर दिन हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, हर दिन अलग अलग डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट भी रहता है वहाँ पे, जिसमें JCB क्रेन हाइवा चलते हैं, तो हम उनको भी देखते हैं। ब्लूम बिलेट सेक्शन होता है जहाँ पे क्रेन सेफ्टी देखना रहता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली काम मैग्नेटिक क्रेन EOT से चलता है। तो आप अभी काफी मतलब लीडिंग एंड काफी अच्छा जॉब कर रहे हैं, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं और आप अच्छा ट्रेनिंग का जॉब दे रहे हैं, तो आर यू सैटिस्फाइड? आप ने जो सोचा था करियर में आने से पहले, सेफ्टी करियर को चूज करने से पहले, कि मुझे इस प्रकार का जॉब करना है, क्या आपको वही मिला है? आप खुश हैं ये काम करके? यस मैम डेफिनेटली खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मिल जाएगी जॉब, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत की अपने अंदर से, मैंने अपना कम्युनिकेशन सुधारा, बैकग्राउंड सुधारा, यहाँ तक कि मैंने जिप्सा के 3 कॉपी नोट्स बनाए बुक के अलावा। अच्छा। तो हाँ, तो वो नोट्स मेरे टिप पे रहते थे, इसलिए इससे पहले मैंने ACB पावर प्लांट जो राफिक सर ने बताया था उस पर भी मेरा कोई शॉर्टलिस्ट हुआ था, मुझे बोल रहे थे, कोरबा कॉल आया था जी। उसके बाद मैप एनर्जी कोरबा, वो भी थर्ड पार्टी है, ऑपरेशन मेंटेनेंस देखते हैं, वहां भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। एक था मैम आदित्य फेब्रिकेटर भिलाई स्टील प्लांट जी, वहां पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं किसी ऐसे रेपुटेटेड कंपनी के लिए थोड़ा वेट कर रहा था कि मुझे कुछ एक स्टार्ट भी करना है तो कुछ थोड़ा सा गुड स्टार्ट मिल जाए। और मैं क्या है मैम, अब भी जस्ट 31 अगस्त से पहले ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो मेरे अंदर वो हड़बड़ी नहीं थी कि मेरे को अभी ज्वाइन करना है। लेकिन वो तो इतफाक है कि 28 अगस्त को मेरा एग्जाम खत्म हुआ है और 2 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। वेरी गुड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिप्सा से जो भी आपको सिखाया गया, प्लेसमेंट सपोर्ट दिया गया, वो ऐसा था कि आपकी पढ़ाई खत्म होते साथ ही आपको नौकरी लग गई, आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ा। यस मैम 100%। ऑलराइट देन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि आप बाकी स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करें फॉर जिप्सा। यस मैम डेफिनेटली मैम। क्या कहना चाहेंगे वो स्टूडेंट्स है जो अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, to them for joining JIPSA? मैम मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर वो जस्ट 12th किए हैं तो उनको मोस्टली थोड़ा सा टेक्निकल साइंस बैकग्राउंड लेकर सेफ्टी पे अगर जाना है तो सेफ्टी का कोर्स के लिए डेफिनेटली JIPSA ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अभी सर मैंने जो ट्रेंड देखा है वो ये कि मैम सेफ्टी में भी एडवांसमेंट का लेवल बढ़ गया है। अभी बेसिक सेफ्टी का लेवल से भी ऊपर है। हम लोगों ने जो छोटे मोटे फायर एक्सटिंग्विश किए थे ना, उससे 20 टाइम्स हायर रिस्क हजार्ड्स होते हैं। वहां पे आपको लीडर जैसा एक एक डिसीजंस लेने रहते हैं। उसके लिए मैम आपको प्लांट का, साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं,
और जिनको लगता है कि सेफ्टी में आना चाहिए तो उनको डेफिनेटली जिप्सा ज्वाइन करनी चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच राज। आई होप आपका फ्यूचर एंड करियर सारी चीज़ें बहुत एंडेवर रहे, काफ़ी बड़ी रहे, एंड वॉट एवर यू विश फॉर कम्स टू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द सेशन एंड स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।